हेलो गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे, सामान्य ज्ञान सुबह 9 बजे, रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे, मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे, मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे, सामान्य ज्ञान सुबह 9 बजे, रेलवे की रीजनिंग सुबह। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेली दिन में 12 बजे आपकी इंपॉर्टेंट क्लास होती है, जो कि रेलवे के लिए आपके आने वाले पेपर में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सभी हम डिस्कस करते हैं। कुल मिला के इनफैक्ट रेलवे के लिए नहीं, जो हम जीके पढ़ रहे हैं वो सभी पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डजंट मैटर आप रेलवे दे रहे हो या कोई सा भी दे रहे हो, लेकिन रेलवे में तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। 2 तारीख से आप सभी को पता है क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है वाईफाई स्टडी का, जो कि देश के सभी बच्चों के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको प्रमोट करने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि देश के सभी बच्चे इससे पढ़ने चाहिए और नौकरी लगने चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि देश में आज तक पहले कभी नहीं हुआ कि कोई क्रैश कोर्स इस तरीके से करवाया जा रहा हो। तो 2 तारीख से आपके लिए 4 क्लासेस बैक टू बैक रेलवे की होगी, और जिसके अंदर आपको 1 महीने में अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं करी है तो उस 1 महीने के अंदर आप ताबड़तोड़ प्रिपरेशन करके जॉब ले सकते हैं। तो गाइज, आज का जो अपना टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो किस तरीके से प्रजनन प्रणाली काम करती है, किस तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो उसके बारे में जानने वाले हैं। तो रिप्रोडक्टिव प्रणाली के बारे में बात करें तो आपको सिस्टम तो पता ही है रिप्रोडक्शन का, और टेक्निकल क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि नॉर्मली वो तो सबका आपको ऑलरेडी पता ही है रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये सब प्रणाली के बारे में आपको पता है, लेकिन टेक्निकली किस तरीके से होता है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उसके बाद में मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में देखेंगे, और कौन सी चीजें किस प्रकार काम करती है, किस तरह प्रकार से जो ठीक है बच्चा जो होता है वो किस प्रकार से होता है, वो सारी बातें आज हम जानने वाले हैं। कई कई इंपॉर्टेंट चीजें भी है जो कि आपको पता होनी चाहिए, पेपर में सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। चलिए सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। देखिए आपके सामने इमेज है, ठीक है। अब इस इमेज के अंदर होता क्या है, यहां पे देखिए एक्चुअली के अंदर यहां पे 3-4 पार्ट के अंदर ये डिवाइडेड है, जैसे कि सबसे पहले है वजाइना, फिर आगे कार्वेक्स, यूट्रस, ये है फेलोपियन ट्यूब, और ये है ओवरी। अब बेसिकली होता क्या है कि ओवरी में से क्या निकलता है, एक ओवम निकलता है, ओवम का रिलीज होता है, वो ओवम के रिलीज होने के बाद में उस तरीके से ट्रैवल करके यहां से आता है स्पर्म, यहां से क्या आएगा स्पर्म आएगा, और इस तरीके से उसको ट्रैवल करके यहां पे वो क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा। उसके बाद में वो यहां पे आके टिक जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए ये अंडाशय है ओवरी, यहां से क्या निकलती है, ओवरीज से निकलते हैं, 2 ओवरीज होती है जहां से ओवम का रिलीज होता है। ओके, चलते हैं आगे की तरफ, और ये है फेलोपियन ट्यूब, डिब वाहनी नालिया, ये देखिए ये है फेलोपियन ट्यूब। चलते हैं आगे की तरफ, ये है गर्भाशय, ये है यूट्रस, जहां पे क्या होता है जो वो जायगोट है, जो कि स्पर्म के प्लस साथ में ओवम के मिलने से बनेगा, वो कहां पे, यहां पे जाके टिक जाएगा इस प्रकार से। यह है योनि, जहां से वो ट्रैवल करते हुए आएगा स्पर्म, और आगे जाने के बाद में ये है, ठीक है, ये है आपके जो मैं ओवरी की बात कर रहा हूं ना, ये ओवरी अंडाशय है। अब इस अंडाशय में क्या निकलेगा, अंडाणु निकलेगा, एक ओवम निकलेगा, और ये एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन जो हार्मोन होते हैं फीमेल के, सेक्स हार्मोन होते हैं उसमें से, ठीक है, ये एक जो बनाने का जो वो है ना, जो इसके वजह से बनते हैं, वो इसी की वजह से बनते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन, ये फीमेल के सेक्स हार्मोन्स हैं, फीमेल के सेक्स हार्मोन्स हैं, जो जो फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक होंगे सेक्सुअल, वो सारे एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन के वजह से ही होंगे। फीमेल सेक्स हार्मोन कौन कौन से हैं, एस्ट्रोजन ध्यान रखना है और प्रोगेस्टेरॉन आपको ध्यान रखना है। ये है शुक्राणु, इस तरीके से शुक्राणु ट्रेवल करते हैं और इस तरीके से आगे की तरफ फेलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं, और फेलोपियन ट्यूब में जाने के बाद में उसका क्या होता है, जब ओवम और जो स्पर्म है दोनों मिल जाएंगे, स्पर्म की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली ये होता है ना वो सीमन होता है, सीमन को हम बोलते हैं, इसके अंदर स्पर्म होता है प्लस कैल्शियम होता है प्लस क्या होता है फ्रुक्टोज होता है, ये सारी चीजें होती है, तब इसको हम बोलते हैं सीमन। और यहां पे क्या होता है, इसका रोपण होता है, इम्प्लांटेशन होता है,
और यही जो छोटा सा देखिए 2 mm का जो ये एम्ब्रियो बनाया ना, ये बाद में जाके इतना बड़ा एक बच्चे का शेप ले लेता है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए प्लेसेंट्रा। अब होता क्या है कि ये जो छोटा सा मैंने पार्ट बताया ना एम्ब्रियो, जब ये रोपण होता है तो इस तरीके से इस पार्ट से उसका क्या हो जाता है, प्लेसेंट्रा से वो जुड़ जाता है और इसी से पूरा का पूरा जो खाना है ना, जो पूरा फूड है वो इसको एम्ब्रियो को मिलता है। जायगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो ये पूरा का पूरा जो फूड है वो यहीं से ही बनने की जो पूरे की पूरी प्रक्रिया है यहीं से ही ट्रांसफर होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंट्रा अपरा हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में होता क्या है कि थोड़े टाइम बाद में यहाँ पे एक लेयर बनती है फीमेल की। क्या बनती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर बनती है जो कि क्या होती है, कब जैसे कि होता क्या है, जो मंथली साइकिल होती है, मंथली साइकिल का लॉजिक क्या होता है कि एक मोटी सी परत है जो कि यहाँ पे बनती है। ठीक है, और ये किस लिए बनती है, ताकि सपोर्ट कर सके इस बच्चे को। और अगर ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो मंथली साइकिल है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये मंथली साइकिल क्या होगी, यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और किसके साथ में, ब्लड के साथ में रिमूव होगी। और ये एक मंथली पीरियडिकल रिमूवल होता है। ठीक है, और ये कब नहीं, कब होता है ये रिमूवल, जब इसके ऊपर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इसके ऊपर ये क्या हो जाएगा, एमसी बंद हो जाएगी और यहाँ पे बच्चा होने की जो पद्धति है वो स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से ये पूरा का पूरा लॉजिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो हर चीज़ पता होनी चाहिए। हमारे देश में सेक्सुअल जो एजुकेशन है, सेक्स एजुकेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से बहुत गलतियां भी होती है। ओके, आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपको प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है तो मंथली साइकिल होने के मैक्सिमम 5 दिन तक तो फिर भी मतलब ठीक है, मतलब 5 दिन जो है ना उस तक जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो क्या होता है, सेफ होता है। ठीक है, लेकिन आफ्टर टेन डेज से लेकर ऑलमोस्ट 25 डेज तक के जो बीच में जो दिन है ना वो काफ़ी डेंजरस होते हैं, मतलब डेंजरस इन द सेंस ओके, अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज डेंजरस है। समझ गए होंगे ना फीलिंग। ठीक है, और 14th जो डे होता है ना वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। 14 डे सबसे डेंजरस क्यों होता है, क्योंकि इस टाइम पे ओवम रिलीज करने की जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, फ्यूचर में आपके काम आएगी। चलिए, अब ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे रिमूवल है, ये जो यहाँ से रिमूवल हो रहा है मेंस्ट्रुअल फ्लो, ऋतुस्राव या रजोधर्म इसको कहते हैं, ये इस तरीके से यहाँ से क्लियर होना चालू हो जाता है। ओके, अब इसमें देखिए कई सारे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो कि उनके फंक्शन आपको पता होने चाहिए, जैसे कि ओवरी। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि एग्स का फॉर्मेशन करेगी, जिसको मैंने बोला था आपके लिए ओवम। ठीक है, तो अणु जो था ना, अणु वो यही है, मैनीफ्यूचर क्या करेगी, ओवरी क्या करेगी, एग का मैनीफ्यूचरिंग करेगी। फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो देखिए आपने कई बार सुना होगा ना टेस्ट ट्यूब बेबी वाला जो लॉजिक क्या होता है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का लॉजिक यही तो होता है कि कई सारी फीमेल के अंदर क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब है ना जो मैंने आपको दिखाई थी, उसके अंदर क्या होता है कि जो पूरी तरीके से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो वो वाला जो टाइम है ना वो हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर कर देते हैं। जो वो वाला जो टाइम होता है जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब में जो स्पर्म और ओवम वहाँ पे मिलते हैं और वहाँ पे साइट जो है फर्टिलाइजेशन की, उस साइट के ऊपर अगर वो काम नहीं हो पाता है तो क्या करते हैं, हम टेस्ट ट्यूब के अंदर उस वाली पद्धति को अपना लेते हैं। और फिर बाद में जैसे ही वो टाइम निकल जाता है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी बनता है उसको हम वापस से फीमेल के बॉडी में इम्प्लांट कर देते हैं इंजेक्शन के थ्रू। तो फिर वापस से जो भी 8-9 महीने का जो प्रोसीजर है वो पूरा का पूरा बॉडी में हो जाता है। समझ गए, तो फेलोपियन ट्यूब खराब होने की वजह से या कोई डिफेक्ट होने की वजह से हम जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उसको हम जो पद्धति है उसको हम अपनाते हैं। समझ गए, ऐसे एक दूसरी पद्धति और होती है बच्चे को करने की, जिसको हम बोलते हैं सरोगेसी। सरोगेसी का लॉजिक अलग होता है। सरोगेसी का लॉजिक होता है कि अगर कोई फीमेल कंसीव ही नहीं कर पा रही है बच्चे को, अगर बच्चा वो रख ही नहीं सकती है, 9 महीने उसकी या तो एज ज़्यादा हो चुकी है या फिर कोई डिफेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम है, या वो रखना नहीं चाहती है मेजरली। कई बार आजकल तो ऐसा होता है कि कोई फीमेल रखना ही नहीं चाहती तो उसको क्या कर लेते हैं, सरोगेसी अपना लेते हैं। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था जिसमें फॉरेनर्स क्या करते थे
कि खुद का बच्चा करने के लिए इंडिया में आके सरोगेसी अपना लिया करते थे, लेकिन अब इसके ऊपर काफी स्ट्रिक्ट लॉज हो चुके हैं। अब सिर्फ इंडियन ही इंडियन क्या कर सकते हैं, सरोगेसी को यूज कर सकते हैं, बाहर के लोग आके इसको बिजनेस नहीं बना सकते हैं। समझ गए? चलिए, तो ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब के बारे में आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं यूट्रस। यूट्रस के बारे में बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ये इनर लाइनिंग है जो कि रिसीव करती है, प्रोटेक्ट करती है और नरिश करती है किसको, एम्ब्रियो को। तो यूट्रस क्या था, अंदर की लाइन थी ना, ये जो अंदर वाली लाइन थी ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है और यही इसको नरिश करती है। तो बेबी के बर्थ में इसका बहुत बड़ा रोल है। नेक ऑफ यूट्रस की बात करें तो ये म्यूकस, वाटरी म्यूकस का प्रोटेक्शन करेगी जो कि पेनिस के को ल्यूब्रिकेंट करेगी और एक मीडियम बनेगा स्पर्म को स्विम करने को लेकर। स्पर्म का स्विम करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। स्पर्म के स्विम करने के बाद ही, इंजेकुलेशन होने के बाद ही क्या होगा, वो एक साइड पे जाके फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। वजाइना की बात करें तो इंटरकोर्स के अंदर जो रिसीव करेगी पेनिस वो एक पार्ट होगा और बर्थ जो होगा पेनिस, बर्थ जो होगा बेबी का वो भी यहीं से होगा, ठीक है। तो ये सारे हैं। और सिलोटोरिस क्या है, एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन है, सेंसुअल ऑर्गन है। तो जो जैसे कि मेल के पेनिस का पार्ट है वैसे फीमेल का, ठीक है, सिलोटोरिस है, एक्सटर्नल सेंसुअल ऑर्गन है जहाँ पे सेंसुएशन क्रिएट होती है। तो ये सारे के सारे जो पार्ट है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसके, फीमेल के। अब थोड़े से मेल के भी देख लेते हैं, थोड़े से क्या, मेल की अगर मैं बात करूँ तो सबसे सिंपल सा, ठीक है, सबसे सिंपल जो है वो यही है, जो टेस्टिस होते हैं वो सबसे बड़ा पार्ट है। ये देखिए, ये जो टेस्टिस वाले जो साइट है ये क्या है, मेल की सबसे इंपॉर्टेंट साइट है जो कि जो सेक्सुअल हार्मोन्स है उसका भी प्रोडक्शन करेंगे, टेस्टोस्टेरोन जिसको हम कहते हैं, और ठीक है। तो ये भी वो साइट है और यहाँ से ही क्या होगा, इसके टेस्टिस से ही, यहाँ से ही स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। स्पर्म के प्रोडक्शन होने के बाद में ये जो आपको लिख रही है ना, ये जो डिफरेंस, वास डिफरेंस, यहाँ से स्पर्म ट्रैवल करते हुए इस तरीके से आके, यहाँ से आने के बाद में स्पर्म यहाँ से निकलेगा, ठीक है। पेनिस हो गया, ये यूरेथ्रा हो गया, ब्लैडर हो गया, ये आपके यूरिन ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये ग्लैंड भी अपना रोल प्ले करता है, ओके। तो ये सारे के सारे मेल के फंक्शंस हैं जो कि सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा टेस्टिस का जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से क्या होगा, 1 या 2 डिग्री लो होगा हमेशा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से क्या होगा, लो होगा, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे से वेन्स होती है जो कि मदद करती है। ठीक है, तो हटाया नहीं है मैंने, ये मत समझ लेना कि हटा दिया है, हटाया नहीं है। आपका जो टॉपिक है वो वैसे ही चल रहा है, निरंतर उसी तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज समझा दिया। इसके ऊपर एक कॉपर्स ग्लैंड भी होता है इस वाले पार्ट के ऊपर, वो मैंने यहाँ पे इसके अंदर है नहीं। कॉपर्स ग्लैंड का काम होता है कि जब जब स्पर्म निकलने वाला हो उससे थोड़ी देर पहले क्या होता है कि एक लिक्विड और निकलता है, लिक्विड को पास करना जो कि क्या करता है, आपके जो पैसेज है ना उसको क्लियर करने का काम करता है ताकि स्पर्म जो है वो स्पीड से और अच्छी तरीके से आ सके। समझ गए? ये उससे पहले जो लिक्विड आता है वो काउपर्स ग्लैंड होता है जो कि ऊपर की तरफ होता है इस साइड के ऊपर, वो इसके अंदर मदद करता है, ओके। साथ में आपको बताना है, एक आंसर करो मेरे को, ऐसा कौन सा मेल प्राणी है जिसके टेस्टिस उसकी बॉडी के अंदर है। पेपर में सवाल आता है ये क्वेश्चन, पेपर में यूपीएससी में सवाल पूछा गया है इनफैक्ट, कि ऐसा कौन सा मेल प्राणी है, ठीक है, जिसके जो टेस्टिस जो है ना वो उसकी बॉडी के अंदर की तरफ है। एक ही है, मतलब एक ही ऐसा, मतलब इंसान में तो नहीं होते ऑब्वियस है, लेकिन एनिमल के अंदर बात कर रहा हूं, एनिमल के अंदर एक ऐसा एनिमल है जिसके बॉडी के अंदर, मेल की बॉडी के अंदर क्या होता है, जो टेस्टिस होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, समझ गए। फीमेल के अंदर जो टेस्टिस का पार्ट है वो ओवरी करती है वो काम जो कि बॉडी के अंदर होती है, लेकिन एक ऐसा एनिमल है जिसके टेस्टिस क्या होते हैं, मेल होने के बावजूद भी बॉडी के अंदर होते हैं, तो वो आपको आंसर करना है, बताइए कौन होता है, ठीक है। कई बच्चों ने आंसर बिल्कुल इसका सही दिया है, एलिफेंट इसका आंसर बिल्कुल सही आया है काफी बच्चों ने। तो एक एलिफेंट एक ऐसा प्राणी है जिसके मेल होने के बावजूद भी, तो और उसके जो टेस्टिस है वो उसकी बॉडी के अंदर की तरफ होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपके दिमाग के अंदर, वो ये काम करता है, ठीक है, कि आपके जो टेस्टिस है मेल की बॉडी में वो बाहर की तरफ हो और फीमेल की बॉडी में अंदर की तरफ हो।
समझ गए, हमारे जो मेमोरी फीमेल के जो मेमोरी ग्लैंड है वो बाहर की तरफ हो और मेल के बिल्कुल नॉर्मल हो, ये सारे काम किसके हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के हैं, जो कि आपके दिमाग के अंदर होता है। चलिए अब थोड़ा हो चुका प्रैक्टिकल, बात तो बहुत हो चुकी है, प्रैक्टिकल ज्ञान आपने बहुत ले लिया, अब यहाँ पे थ्योरेटिकल चीजों पे आ जाइए। सबसे पहले ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में, हाँ फीमेल मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पे टेस्टिस, दो स्पर्म की डक्ट हो गई और पेनिस हो गया, ये मिला के रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाता है। फीमेल की बात करें तो पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट जिसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, और यूट्रस, ये तीनों मिलके क्या बनाता है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव बनाता है पार्ट। ये देखिए 23 तो क्रोमोसोम्स और मेल के मतलब फीमेल के एग ओवम में से, और स्पर्म 23 यहां से क्रोमोसोम्स, आगे कितने बनाएंगे जायगोट के 46 क्रोमोसोम्स यानी कि 23 पेयर बनाएंगे ठीक है, और उसके बाद में जायगोट से मिलके क्या बनेगा, बाद में एम्ब्रियो बनेगा और 46 क्रोमोसोम्स उसके होंगे जो कि 23 पेयर में होंगे। यहां पे अगर एक्स एक्स मिलता है, जैसे कि मेल में तो होता है एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स, अगर एक्स और एक्स मिल गया तो क्या हो गया, फीमेल का प्रोडक्शन हो गया, और अगर एक्स और वाई मिल गया तो क्या हो गया, मेल का प्रोडक्शन हो गया। इस प्रकार से तो कुल मिला के फीमेल के पास तो एक्स एक्स ही है, जो प्रॉब्लम है ना वो मेल की है। तो अक्सर सोसाइटी में ऐसा होता है कि फीमेल को बोला जाता है कि लड़का या लड़की, फीमेल को बोला जाता है मुझे लड़का चाहिए लड़की चाहिए, अरे भाई लड़का और लड़की का होना नहीं होना वो फीमेल के हाथ में है ही नहीं, वो मेल के हाथ में, मेल के हाथ में भी नहीं एक्चुअली तो, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो फीमेल का तो एक्स एक्स ही है, तो उसमें तो मेल या फीमेल का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। मेल का अगर एक्स होता है तो वो फीमेल बन जाएगी और वाई जाता है तो वो मेल बन जाएगी ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि फीमेल को दोष दिया जाता है सोसाइटी में, जो कि टोटली गलत होता है। चलिए अब देख लेते हैं यौन प्रजनन के बारे में, मैंने आपको बता ही दिया है कि नर प्रजनन की जो अंगों में टेस्टिस की एक जोड़ी, दो शुक्राणु नलियां और एक लिंग शामिल है। इसके अलावा मादा प्रजनन की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय और साथ में एक ओवरी, गर्भाशय, ये पूरे के पूरे उसकी मादा प्रजनन अंग है। इसके अलावा तो होता क्या है, ह्यूमन बींग के अंदर ए सिंगल मैच्योर्ड एग जो है वो रिलीज किया जाता है, हर मंथ रिलीज होता है ठीक है, और यूट्रस के जो एक डेवलपमेंट पार्ट कौन सा होता है, यूट्रस का होता है बेबी के अंदर। इसके अलावा फर्स्ट जो स्टेप होता है प्रोडक्शन का वो क्या होता है, स्पर्म का और ओवम का मिलना होता है, दोनों कॉन्टैक्ट में आने के बाद में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मनुष्यों में हर महीने मादा में अंडाशय में से एक द्वारा अंडाकार में से एक परिपक्व अंडा जारी किया जाता है। यूट्रस वह हिस्सा है जहां बच्चे का विकास होता है, शुक्राणु की तरह एक अंडा भी एक एकल कोशिका होता है, और शुक्राणु और जो अंडाशय दोनों, अंडे और शुक्राणु दोनों संपर्क में आते हैं, उसके बाद में क्या होता है, फ्यूजन होता है और उसको निषेचन कहते हैं यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन एक तो होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, एक तो बाहरी हो गया और एक क्या हो गया, भीतरी हो गया। अब ये भीतरी और बाहरी का मतलब क्या है, इंटरनल किसके होगा, ह्यूमन बींग्स में, भाई फीमेल की बॉडी के अंदर ठीक है, जो इंटरनली जो एक सेक्सुअल इंटरकोर्स है, सेक्सुअल प्रोटेक्शन से अगर कुछ हुआ है तो कौन सा है, वो इंटरनल है। और अगर कई बार क्या होता है, असेक्सुअल प्रोटेक्शन भी होता है वो, उसको क्या हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं फ्रॉग के केस में, जो मेंढक होते हैं, मेंढकों में ऐसा नहीं होता जैसे कि मेल के, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर होता है ठीक है, कोई धूमधाम वाला काम नहीं होता इसके अंदर, मेंढक के अंदर इसमें होता क्या है एक्चुअली के अंदर, इसमें फीमेल क्या करती है, कंसीव करती है, खुद एग डिलीवर करती है, मेल बाद में आता है और अपने स्पर्म उस अंडों के अंदर रिलीज करता है ठीक है, उसके बाद में उसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो कुल मिला के सेक्स भी नहीं हुआ और बच्चे भी हो गए ठीक है। तो ऐसा वाला जो काम है वो किसके अंदर होगा, वो फिशेस के अंदर होगा और साथ में फ्रॉग है उसके अंदर होगा। तो फिशेस में भी ये होता है कि बहुत सारे अंडे देती है फिशेस, जो फीमेल फिश है, और उसके बाद में क्या होता है, जो मेल है, जो फिश होता है, वो बाद में आके वहां पे स्पर्म रिलीज करता है जो कि उसके अंदर जाने के बाद में ठीक है उसके फर्टिलाइजेशन करता है। तो इस वाले को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, समझ गए, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इस तरीके से दोनों आपको ध्यान रखने हैं, पेपर में कई बार पूछा जाता है। चलिए देख लीजिए यहां पे, तो मैंने इंटरनल के बारे में क्या बताया कि जब फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी होगा तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा,
जैसे कि काउ, ह्यूमन, डॉग, हैंस। और स्प्रिंग सीजन में, रेनी सीजन में क्या होता है, फ्रॉग हो गए, टॉर्च हो गए, वो पॉन्ड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल पानी में एक साथ आते हैं और फीमेल क्या करती है, 100 ऑफ एग को देती है। और उसके टाइम पे फ्रॉग जो एग क्या करता है, जो कि एग शेल से कवर्ड नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपनी तरफ से एक स्पर्म का रिलीज करता है। मेल क्या करता है, डिपॉजिट करता है अपने स्पर्म को, और ईच स्पर्म स्विम रैंडमली इन द वॉटर। और एक हर एक स्पर्म क्या करता है, स्विम करता है वॉटर के अंदर और कॉन्टैक्ट में आ जाता है एग से, उसके रिजल्ट से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का होता है। ठीक है, तो इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को, जो कि बाहर की तरफ होते हैं, आउटसाइड द बॉडी फीमेल के होते हैं, उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं उनकी बॉडी में नॉर्मली ऐसा होता है, फिश हो गए, स्टार फिश हो गए, इनके अंदर होता है, समझ गए। तो मादा शरीर के अंदर होने वाली उर्वरतक को आंतरिक निषेचन कहा जाता है, जैसे कि मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गियों में होता है। बसंत और बरसात के मौसम के दौरान मेंढक और, ठीक है, मेंढक उसमें जाता है पानी में, नर और मादा पानी में साथ आते हैं। मादा क्या करती है, सैकड़ों अंडे देती है, और उस अंडों के अंदर क्या होता है, पुरुष शुक्राणु को जमा करता है, और उसके बाद में वो दोनों संपर्क में आके निषेचन करते हैं। तो इस तरीके की प्रणाली को क्या कहते हैं, बाहरी निषेचन कहते हैं। नॉर्मली जलीय जानवरों में इस प्रकार का देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब बातें भी आपको ध्यान रखनी है। साथ में अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो WIFISTUDY एप्लीकेशन में जाके आप वहां से इसकी एप्लीकेशन, जो ये PDF है, वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को वापस से रिविजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे जो काम हुआ एक्सटर्नल में, वो वही वाला हुआ, ठीक है, कि चाय वाय पीनी, ग्लास थोड़ा बाहर आना वाला, ओके, कि भाई कुछ हुआ भी नहीं और यहाँ पे क्या हो गया, बच्चे भी हो गए। तो इस प्रकार से ये जो काम है, ये किस कौन सा एक्सटर्नल के अंदर होता है। चलते हैं, अब देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। प्लांट के अंदर भी होता है, सिर्फ जानवरों में नहीं, प्लांट के अंदर भी ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दो प्रकार से रिप्रोडक्शन होते हैं, मैंने आपको बताया, एक तो सेक्सुअल और एक असेक्सुअल। तो जैसे कि एनिमल में हुआ, वैसे प्लांट के अंदर भी होता है। इसको हम बोलते हैं, जैसे कि बडिंग का नाम आपने सुना होगा, फ्रेगमेंटेशन का नाम आपने सुना होगा, स्पोर फॉर्मेशन का नाम आपने सुना होगा। तो ये सारे के सारे जो तरीके हैं, इस ये कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, और देख लीजिए, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखिए, प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कई सारे प्लांट में क्या होता है, रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होती है, और इनको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन हो रहा है, वो एसेक्सुअल हो रहा है। दूसरा हो रहा है बडिंग, जैसे कि यीस्ट होता है, जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, अब वो क्या करता है, खुद ही ब्रेक करता है, फ्यूजन होता है उसके अंदर, और वो टूट के उसके कई सारे पार्ट बन जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन की बात करें, जो कि एल्गी में देखने को मिलता है, वो भी, उसमें भी सेक्स नहीं होता और बच्चे हो जाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन की बात करें, तो फंजाई के अंदर भी यही होता है, फंजाई क्या करती है, अपने आप प्रोडक्शन करती है। तो कुल मिला के रूट की, स्टेम की बात करें, तो ये वेजिटेटिव हो गया। अगर मैं यीस्ट की बात करूँ, तो बडिंग हो गया। अगर एल्गी की बात करूँ, तो फ्रेगमेंटेशन हो गया। और अगर मैं फंजाई की बात करूँ, तो स्पोर फॉर्मेशन हो गया। ये सारे के सारे काम कौन से, असेक्सुअल होते हैं। तो असभ्य प्रजनन के माध्यम देख लीजिए, असंभ्य वनस्पति प्रचार, वनस्पति प्रचार किसमें देखने को मिलेगा, जड़ों में, उपजी में और पत्तियों में। बुद्धिंग किसको देखने को मिलेगा, ये आपके, ठीक है, जो अपने ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, यीस्ट जो होते हैं, खमीर जिसको हम कहते हैं, खमीर में क्या देखने को मिलेगा, बुद्धिंग देखने को मिलेगा। टुकड़े, अगर मैं फ्रेगमेंटेशन की बात करूँ, जिसमें थोड़े थोड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो ये शैवाल में देखने को मिलेगा। और जो स्पोर फॉर्मेशन है, गठन है, ये किसमें, कवक में देखने को मिलेगा। तो किसमें क्या होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, पेपर में सिंपल सिंपल से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये देखिए, बडिंग होती है हाइड्रा के अंदर, जो मैंने आपको बताया इस प्रकार से असेक्सुअल। ठीक है, सेक्स करने की जरूरत नहीं पड़ी और आगे हो गया। वैसे ही अमीबा के अंदर देख लीजिए, फ्यूजन होता है, दो में दो टूट के बनते हैं, जैसे कि एक था, एक से दो बने, यहाँ पे दो से अलग अलग हो गए, फिर दो के अलग अलग हो जाएंगे इस प्रकार से। तो ये अमीबा के अंदर होता है बेसिकली। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए, सेक्सुअल भी हो सकते हैं प्रोडक्शन। मैंने आपको कल परसों पढ़ाया था ना, कि जो प्लांट होते हैं, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, CGL के अंदर चल रही थी, शाम में चल रही थी क्लास,
जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्लांट भी सेक्स करते हैं, दे डू हैव अ सेक्स, ऐसा नहीं है वो नहीं करते, लेकिन तरीका अलग होता है। मेल की बॉडी में से जो ठीक है पोलन ग्रेन्स है, मेल जो प्लांट होता है उसमें से पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, ट्रैवल करते हुए आते हैं, किसके थ्रू, एयर के थ्रू, जो मक्खियाँ होती हैं उनके थ्रू, वाटर के थ्रू, और जो फीमेल का जो फीमेल वाला जो प्लांट होता है उसके ऊपर जाके, ठीक है उसके ऊपर जाके, इसको बोलते हैं ना स्टैपल, उसको वहाँ पे जाके टिक जाता है ऊपर जाके, फिर फीमेल के पास में सेलेक्ट करने का मौका होता है कि कौन से वाले जो मेल है उसके स्पर्म्स को सेलेक्ट किया जाए, यानी कि पोलन ग्रेन को सेलेक्ट किया जाए। मैंने बताया था उस वाली क्लास के अंदर कि जो कलरफुल जो होते हैं ना पत्ते, जो अलग अलग कलर के जो होते हैं ना, वो कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि जो फीमेल प्लांट है वो अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल बनाता है अपने आप को, बनाती है अपने आप को, ठीक है। जैसे फीमेल मेकअप मारती है ना, बहुत सारे मेकअप करती है, भाई लॉजिक क्या होता है, अट्रैक्शन के लिए तो मेकअप किया जाता है ना, तो वैसे ही फीमेल जो प्लांट है वो अपने कलरफुल जो वो है ना कलरफुल जो पत्ते, ठीक है जो कलरफुल फ्लावर्स है वो इसलिए बनाती है, पत्ते कलरफुल इसलिए बनाती है ताकि वो अट्रैक्ट कर सके किसको, इंसेक्ट को, और इंसेक्ट के थ्रू भी क्या सके, मेल के स्पर्म आ सके, ठीक है। तो ये उनके अंदर लॉजिक होता है। तो पौधों के अंदर प्रजनन दो प्रकार के हैं, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल, तो एक तो अभयलिंगी और दूसरा भी बायसेक्सुअल, ठीक है। तो तीन तरीके के प्लांट होते हैं बेसिकली, मैं आपको लिख देता हूँ, एक तो होता है मेल, एक होता है फीमेल, और एक होता है बायसेक्सुअल, जिसके अंदर दोनों के अंदर होता है। अरे भाई ह्यूमन बीइंग में भी तो ऐसा होता है ना, एक तो मेल होते हैं, एक फीमेल होते हैं, और एक ट्रांसजेंडर होते हैं, तो उसी प्रकार से प्लांट के अंदर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो मेल वाले में तो स्टैमन होता है जो उनका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल का क्या होता है, पिस्टल होता है, और ये जिसके अंदर दोनों है वो क्या बन गया, बायसेक्सुअल बन गया। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने डायग्राम है, स्टैमन कौन सा है, ये तो मेल का पार्ट है, एंथर है, फिलामेंट है, इस एंथर के अंदर क्या होगा, पोलन सैक होगा, पोलन सैक क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन्स को बनाएगा। ये पोलन ग्रेन्स क्या है, ये स्पर्म ही तो है, ये मेल के स्पर्म है, इसके बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये फीमेल का पार्ट है पूरा का पूरा। अगर किसी के अंदर दोनों है तो क्या बन गया, वो भाई साहब बाइसेक्सुअल बन गए, समझ गए। तो ये होता है अगर फर्टिलाइजेशन के थ्रू, अगर कोई भी, अगर आप जो फ्रूट खाते हो ना वो क्या होता है, ओवरी का ही पार्ट होता है, वो डेवलप्ड ओवरी होती है, समझ गए। और किसी में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जैसे उसके अंदर कोई बीज भी नहीं होता, अगर बीज है तो उसका मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ है, अगर बीज नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। जैसे कि बनाना, बनाना के अंदर बीज नहीं होता है तो उसका फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, तो ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। इसके अलावा ये देखिए कॉर्न है, पपाया है और कुकुम्बर है, ये सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। मस्टर्ड हो गया, रोज हो गया, रोज के बारे में सोचा नहीं था ना, मतलब दुखी मत हो जाइएगा कि रोज जो है वो बायसेक्सुअल है, समझ गए, जो गुलाब होता है वो बायसेक्सुअल होता है। तो रोज हो गया, मस्टर्ड हो गया, पुनीटिया हो गया, ये बायसेक्सुअल्स हैं। और ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता ही दिया, मेल के अंदर पोलन ग्रेन्स होंगे मेल वाले के अंदर, वैसे ही फीमेल के अंदर क्या होगा, ओवरी होगा, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मकई, पपीता, ककड़ी, ये सब क्या होते हैं, फूल क्या, अभयलिंगी होते हैं। गुलाब, सरसों, पेटूलिया, ये सारे क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब देख लेते हैं थोड़ा बहुत और, तो ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया, ये सब तो सिंपल सी बातें हैं। ये सब जब फॉर्मेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है उसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, और जब बच्चे का डिलीवर हो जाए, मुबारकबाद मिल जाए, तो उसको हम पर्टुरेशन कहते हैं। पर्टुरेशन हम उसको कहते हैं हिंदी में, देख लीजिए। तब गर्भाशय की दीवार बनती है, उसको हम प्रत्यारोपण कहते हैं। भ्रूण का विकास होता है, उसको हम गर्भावस्था कहते हैं। और बच्चे की डिलीवरी हो जाए तो हम उसको विभाजन कहते हैं। ये है मानव प्रजनन प्रणाली, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको बता दिया था कि जो टेम्परेचर होता है किसका, टेस्टिस का, वो कम होता है 2 से 2.5 डिग्री जो है ना, वो नॉर्मल बॉडी से कम होता है, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मेल की बॉडी के अंदर जो स्पर्म होते हैं वो कितने होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड बिलियन, मिलियंस ऑफ बिलियन होते हैं। लेकिन फीमेल की बात करें तो पूरी लाइफ के अंदर, ठीक है, पूरी लाइफ साइकिल के अंदर अपने नियर बाय 200 से 250 बार वो प्रजनन कर सकती है। जो ओवम जो है ना वो इतनी बार ही रिलीज होते हैं,
समझ गए? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेल के स्पर्म के अंदर इतनी, अगर मैं बात करूं मेल के स्पर्म की, तो इतनी अगर सारे स्पर्म को यूटिलाइज कर लिया जाए ना, एक एक मेल की बॉडी में जितने भी स्पर्म उसकी पूरे लाइफ टाइम के अंदर रिलीज होते हैं, अगर सबसे बच्चा कर लिया जाए तो पता है कितने हो सकते हैं? पूरी दुनिया को एक बार मार दो और पूरी दुनिया को वापस से पैदा कर दो, नियर बाय 6 अरब के आसपास बच्चे हैं जो कि हो सकते हैं। जान के अजीब होगा लेकिन सच है। फीमेल के नियर बाय 200 से 250 हो सकते हैं, क्योंकि एक महीने में एक ही बार पॉसिबल है, ज़्यादा से ज़्यादा दो बार, अगर दोनों ओवरी से दो भी अगर रिलीज हो ओवम तो दो हो सकते हैं। ठीक है, तो पूरी लाइफ साइकिल में 200 या 250 के आसपास हो सकते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो ये सब मैंने आपको बता ही दिया है, काफ़ी सिंपल है। और ठीक है, कौन से सेल को बोलते हैं? लेटेक्स सेल्स होते हैं जो कि फॉर्मेशन करते हैं। लेटेक्स सेल्स क्या करते हैं? बनाते हैं। किसको बनाते हैं? एंड्रोजन को बनाते हैं। एंड्रोजन क्या है? एक मेल सेक्स हार्मोन है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। दो सेक्सुअल हार्मोन होते हैं मेल के, जो आपकी आवाज़ जो भारी होती है, जो ये सब जो है ना, ये सब टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन की वजह से होती है। ठीक है, और ये किस कौन फॉर्मेशन करता है? लेडिक नाम के सेल होते हैं, वो इसका फॉर्मेशन करते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लेडिक कोशिकाएं कहते हैं उसको। पेपर में पूछते हैं एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन इसका फॉर्मेशन कौन करता है, तो ये लेडिक कोशिकाएं जो इसका फॉर्मेशन करती है। फीमेल की बात करें तो मैंने आपको बता दिया फीमेल के बारे में, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया है, यूट्रस ओवरी वजाइना। और इसके अलावा बात करें तो सिंपल सिंपल सी बातें ये सब। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। और ये सब तो मैंने आपको समझा ही दिया है पहले ही, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, ये सब के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। हार्मोन्स और फीमेल साइकिल, तो हार्मोन और फीमेल साइकिल के बारे में आप देख सकते हैं कि फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन होता क्या है, कि जो ओवेरियन साइकिल है वो दो फेज में काम करती है। एक तो फॉलिकल क्या करती है? सीक्रेट करती है एस्ट्रोजन को ओवुलेशन के बाद में। ठीक है, और एक प्रोगेस्ट्रॉन जो कि ओवुलेशन के बाद में, दोनों के दोनों हार्मोन्स का सीक्रेशन। ट्विन कैसे होते हैं ये सब बताऊंगा अभी मैं आपको, ट्विन कैसे होते हैं, एक जैसे कैसे होते हैं, डुप्लीकेट जुड़वा कैसे होते हैं, ये सब बात करेंगे अभी अपन। ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पता ही है 15 से 31 दिन के बीच में होती है, मेजरली 30 दिन के आसपास कंसिडर किया जाता है। 5 दिन वो पीरियड होता, 5 दिन का टाइम है जो कि माना जाता है जिसमें ब्लड का रिलीज होता है। 14 डे जो है वो मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, या आपके खुशखबरी वाला अगर आपको बच्चा करना है तो। ओके, मिड साइकिल का जो फेज है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि उसके अंदर जो एस्ट्रोजन है ना वो सीक्रेशन करता है LH का। समझ गए? LH क्या है? एक हार्मोन है जो कि बच्चे करने को सबसे ज़्यादा हेल्प करता है उस टाइम पे। समझ गए? चलिए, तो ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। और एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रॉन होते हैं जो कि डेवलपमेंट करते हैं, मैंने आपको बता ही दिया ये सब बातें, सिंपल सिंपल सी है। ठीक है, ट्विन वाला जो मुद्दा है वो सब मैं आपको समझा देता हूँ, ये तो थ्योरेटिकल बातें थी जो अभी हमने डिस्कस करी। अभी होता क्या है मैं आपको ट्विन वाली बातें बता देता हूँ, ट्विन कैसे होते हैं, जुड़वा कैसे होता है, तुड़वा कैसे होता है। कई बार आपको पता है ये क्या, कौन थी वो, सरोज खान थी, कौन थी, फराह खान थी, जिनके 3 बच्चे हुए थे ना, शायद 3 हुए थे ना, आई गेस 3 बच्चे हुए थे शायद उनके। तो 2-3 ये किस प्रकार से होते हैं ये भी हम देख लेते हैं एक बार। पता नहीं 2 हुए थे, 2 तो नॉर्मल बात है, 3 हुए थे मतलब। ठीक है, तो ये 3 कैसे होते हैं? एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि ये ओवरी है, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब है इस प्रकार से। अब इसमें से क्या निकलता है? ओवम निकलता है। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि फीमेल में से क्या होता है, या तो राइट वाले में से निकलेगा ओवम या लेफ्ट वाले में से निकलेगा। अगर मान लीजिए दोनों में से एक एक निकल गया, दोनों में से एक एक निकल गया, और जो स्पर्म है उसने क्या किया, दोनों को फर्टिलाइज कर लिया और दोनों यहां पर आके टिक गए, तो क्या हो गया, 2 बच्चे हो गए, 2 बेबी हो गए होंगे। और 2 बेबी का जो सेक्स है वो अलग भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, ब्लड ग्रुप भी अलग हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है कि रिलीज तो एक ही ओवम से होगा, रिलीज तो एक ही हुआ, लेकिन इसका क्या होता है, इसमें ब्रेकिंग हो जाती है। कई बार क्या होता है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि जो एक जो एम्ब्रियो बना है ना, जायगोट है, इसी का डिवीजन हो जाता है।
तो एक ही साइड के ऊपर दोनों के दोनों जो बच्चे हैं वो डेवलप होना चालू होते हैं। एक ही ओवम में से जो मैंने आपको बताया ना ओवम प्लस स्पर्म, ये जो जायगोट बना है ये जायगोट में क्या हो गया डिवीजन हो जाता है कई बार। अगर डिवीजन हो गया तो ये क्या हो गए एक और ये दो बच्चे हो गए। ये दोनों बच्चे जो होंगे इनका सेक्स भी सेम होगा, ठीक है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। इनके जो दिखने का होते हैं ना बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल मतलब राम और श्याम वाली जो बात होती है ना वो बिल्कुल इस वाले केस के अंदर होगी, बिल्कुल एक जैसे नजर आएंगे तो कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। मैंने एक बार देखा था दो डुप्लीकेट बच्चे थे, एक बच्चे के तो यहाँ पे हेयर स्टाइल में ए नाम से लिखा हुआ था क्योंकि उसका नाम आयुष था उसको पहचानने के लिए, एक का नाम कुछ और था, ठीक है, एक का नाम कुछ और था शायद सुमित नाम था, तो उसके बालों में एस लिखा हुआ था। तो पहचानने का तरीका उन्होंने पेरेंट्स ने क्या किया बच्चे के ए लिखवा दिया जो आयुष वाला बच्चा है, दूसरे वाले बच्चे का एस लिखा दिया क्योंकि दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे, साइज वाइज बच्चों की सब कुछ एक जैसा था। तो पहचानने का तरीका ये बालों में हेयर स्टाइल में नाम लिखवा दिया उनका, समझ गए। तो ये इस प्रकार से होता है। कई बार क्या होता है जुड़वा, कई बार ऐसा होता है कि कोई बिल्कुल बच्चे कॉन्जॉइंट होते हैं। कॉन्जॉइंट कब होते हैं जब क्या होता है, होता क्या है कि इसका पूरा का पूरा डिवीजन ना हो पाए, समझ गए। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा ना कि दो मुंह होते हैं बॉडी एक ही होती है, कई ऐसे भी बच्चे होते हैं हाथ दो हैं लेकिन मुंह दो है, चार पैर चार हैं लेकिन बीच में से जुड़े हुए हैं। वो जुड़े वाला केस कब होता है जब उनका पार्शियल डिवीजन होता है, अगर पूरा हो जाता तो दो हो जाते, लेकिन कई वाले केस में क्या होता है इसका आधा अधूरा डिवीजन होता है, तो उसके वजह से होता क्या है कि वो बीच में जुड़े हुए रह जाते हैं, समझ गए। तो ये सिंपल सी बात थी जो कि आपके डुप्लीकेट मतलब जो जुड़वा तीन तरह के मैंने आपको बता दिए बच्चे, ओके। एक तो जो नॉर्मली अलग अलग होते हैं, एक जो कि सेम दिखते हैं बिल्कुल राम और श्याम टाइप, और एक जो कि कॉन्जॉइंट होते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा लॉजिक होता है। और ये था आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि उम्मीद है कि आपने अच्छे तरीके से समझा होगा, ठीक है। देखिए कुल मिला के अगर प्रैक्टिकली मतलब अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई है किस तरीके से बच्चा होता है और वो सब प्रणाली तो मुझे पता है आपको पता है वो सब तो, लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो सब भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि वो सब आपने आज सीखा होगा, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपको सिंपल सिंपल से देखने को मिलेंगे रेलवे के एग्जाम में। और आने वाले दिनों के अंदर आप बाकी क्लासेस भी अटेंड करते हैं यूपीएससी की एसएससी की तो और भी डिटेल के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा, ओके। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, 2 तारीख से आपके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है तो उसको बिल्कुल मत भूलिएगा, क्लास अटेंड करिएगा। साथ में आज लास्ट डे है टेस्ट सीरीज धमाका का, तो अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो उसको जरूर परचेज करिएगा क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत काम आने वाली है और बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ओके। सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। दो दिन आने वाले 2 दिनों के अंदर अपन क्वेश्चन करेंगे, कल तो करेंगे अपन किसके क्वेश्चन, डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चन करेंगे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। परसों के दिन अपन रिप्रोडक्टिव के किस प्रकार के पहले क्वेश्चन आ चुके हैं या आ सकते हैं, ये 2 दिन आने वाले 2 दिनों में अपन क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।